वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूं सुनील राउत। सेक्युलर मुल्क में क्या सिर्फ एक मजहब के लिए चुनावी घोषणा पत्र अब जारी करने की जरूरत आन पड़ी है? क्या आप सियासी दल हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जैनों और बौद्धों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र लेके आएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने जो किया है उसने उसकी न सिर्फ सेक्युलर छवि को बेनकाब किया है बल्कि तुष्टिकरण के उसके एजेंडे को भी सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी के मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है और वो उसे हर जुमे को मस्जिदों के बाहर जा जाकर बांटेगी। इसलिए सवाल देश का है कि क्या सेक्युलर कांग्रेस तुष्टिकरण करके मुसलमानों के वोट लेगी? क्या हिंदुओं के लिए भी अलग घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस और क्या उसे मंदिरों के बाहर जा जाकर बांटेगी? क्या चुनाव में अब धार्मिक स्थल का भी होगा इस्तेमाल? तो मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, यह मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब शायद इसे बदलने का वक्त आ गया है क्योंकि इसे अब आप ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की दौड़ मस्जिद तक हो गई है क्योंकि प्रियंका गांधी के गंगा स्नान के बाद और राहुल गांधी के मंदिर दर्शनों के बाद अब कांग्रेस ने मस्जिद की तरफ अपनी दौड़ शुरू कर दी है। तो क्या अब यूपी में कांग्रेस मस्जिद से सत्ता की मंजिल तक पहुंच पाएगी? देखिए रिपोर्ट। तो बीजेपी की मंदिर के काट में क्या कांग्रेस मस्जिद कार्ड लेकर आई है? सवाल देश का है। सपा के वोट बैंक में क्या कांग्रेस का मस्जिद प्लान सेंध लगा पाएगा? कांग्रेस के मस्जिद कार्ड से समाजवादी पार्टी में क्या खलबली मच गई है और धर्म और मजहब के फेर में क्या कांग्रेस फंस गई है? सवाल देश का यह भी है कि टोपी और तिलक के बीच कांग्रेस उलझ कर रह गई है। सेक्युलर कांग्रेस क्या तुष्टिकरण करके मुसलमानों के वोट हासिल कर पाएगी और बीजेपी के क्या मंदिर के काट में कांग्रेस का मस्जिद कार्ड अब आया है? तो ये सवाल देश का है, मैं आज हम बहस करेंगे। तो सवाल देश का है, मैं बात आज यही कि कांग्रेस को क्या मस्जिद से मिलेगी यूपी की सत्ता और क्या सेक्युलर कांग्रेस अब तुष्टिकरण खुलकर करने के लिए मैदान में उतर आई है, इस पर करेंगे बहस। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से विनोद सिंह और साथ ही साथ डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। विनोद कुमार जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा चूंकि सारा आपने हमारी स्टोरी देखी ली होगी। सवाल भी कांग्रेस से यही है, क्या अब अलग अलग धर्मों के लिए आप घोषणा पत्र लेके आएंगे? सेक्युलर मुल्क में क्या अब इसकी जरूरत आन पड़ी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता मंदिर जाते हैं तब सवाल उठता है और देश में जो संविधान सेकुलर देश इस बात की इजाज़त देता है कि कोई जिम्मेदार पार्टी जब नीति निर्धारण की बात करती है, चुनाव में जाने की बात करती है, तो सबको उचित सम्मान, उचित स्थान देना क्या उसका संवैधानिक दायित्व है कि नहीं? तो इसमें आपको राजनीति कहाँ दिखती है? और माफ करिएगा, आपने ओपनिंग में कहीं कहा कि राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाके थक गए। देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं, हम थकने वाले लोग नहीं हैं, हम हारने वाले लोग नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कभी ये झुकने वाली तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक आचरण के खिलाफ नहीं, हम देश की लोगों की आवाज लड़ते रहेंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, एक सुनियोजित तरीके से पीआर एक्सरसाइज के तहत जाते हैं, देश के किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, देश के समस्याओं की अनदेखी करते हुए किसी यात्रा पर जाते हैं, तो उसका तो बड़ा महिमा मंडन होता है, हर मंचों से महिमा मंडन होता है। और अपनी आस्था को आगे रखते हुए अगर कोई जाता है, मंदिर जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, मस्जिद जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, सब जाते हैं, वो इबादत गाह है, आप इबादत करिए।
लेकिन सियासत में उनको लेके आना और एक धर्म विशेष के लिए आप अलग से घोषणा पत्र ले आए, तो अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आप हिंदुओं के लिए अलग से लेकर आएंगे आप और मंदिर के बाहर जा जाकर बांटेंगे वो घोषणा पत्र? नहीं, इसमें क्या अलग आपको दिख रहा है, क्या आपत्ति? आप बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या देश में वोट का अधिकार सबको समान रूप से है कि नहीं? किसी की जाति धर्म के आधार पर क्या भिन्नता हमारी संविधान या जिम्मेदार पार्टी नेता कर सकते हैं क्या? हम तो सबके साथ को लेते हुए एक बेहतर भारत की बात कर रहे हैं, भारत में का विकास सर्वांगीण रूप से कैसे हो, हम कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, लांछन लगाने वाली, बदनाम करने वाली, क्योंकि इस सक्रियता से, इनके सवालों से, कांग्रेस पार्टी के सवालों से जो अपार जन समर्थन और विश्वास जगा है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ, बोगस और जुमले के रूप में, एक पार्टी के रूप में जैसे पेश हुई, ये डरे हुए भयभीत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का धरातल से पूरे तरीके से जन समर्थन उनके तरफ से निकलता जा रहा है, और ये चुनाव जो भी आगामी चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आशावादी है कि उन्हें उनके मेरिट के आधार पर, उनके परिश्रम के आधार पर, उनके लोकतंत्र में लोक स्वर बनने की जो उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख मिला के जो आर पार सवाल करने की बात की है, पूरी तरीके से भारत की जनता समझ चुकी है कौन सही राह पे, कौन गलत राह। ठीक 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 विनोद जी, हमारे साथ डॉक्टर धनुष कुमार भी है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस तो डिफेंड कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह दाव उल्टा पड़ जाएगा? क्योंकि मस्जिद के बाहर जाकर, 8000 मस्जिदों के बाहर आप एक घोषणा पत्र बांटेंगे, और खास तौर पर सिर्फ मुसलमानों को, वैसे भी कांग्रेस पार्टी बदनाम है कि मुसलमानों की पार्टी है, ये नहीं लगता है आपको कि उसमें और डेंट करेगा ये कांग्रेस का ये दांव? सुनील जी, मैं अपने एक फलसफा पर शेर लिखा था, वो मुझे आज मन करता सुनाऊं जी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। न जात के लिए न पात के लिए, न जात के लिए न पात के लिए, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज है हिंदुस्तान के लिए। ये चीज होनी चाहिए थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाली पार्टी रही है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस के तमाम नेता कहे जाते हैं, सुने जाते हैं उनके द्वारा, और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले, इवन प्रधानमंत्री भी शहादत दिए, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, ये सब सुना है मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, और ऐसा कांग्रेस के तमाम लीडर कहते हैं अपने आप को कि हमारी पार्टी के मुखिया ने शहादत दिया, तो सही बात है, माँ बेटे ने शहादत दिया, ऐसा मैं सुनता हूँ। लेकिन सवाल यह होता है, जो आपका प्रश्न चिन्ह है और जिस पर आपने प्रश्न किया है, तो देखिए, मुसलमान जो है कांग्रेस का कोर वोट रहा है जी, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, मैं विश्लेषण करूंगा, तो बेबुनियाद बातों को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बेबाकी से उन बातों को करूंगा जो सार्थक हो जी। कांग्रेस का पतन होने के पीछे कारण यही रहा कि इनके कोर वोटर जो मुस्लिम वोटर है, उस पर क्षेत्रीय दल भारत के कोने कोने पर धीरे धीरे कब्जा करता चला गया जी। जिसका नतीजा ये हो गया कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कवि थे, जो मुस्लिम वोटरों के ऊपर, क्योंकि वो इकट्ठा एकजुट होकर, तो आज मैं दिल्ली का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल जब शीला दीक्षित पर लांछन लगाया कि मैं ईमानदार हूं, शीला दीक्षित बेईमान है, तो उनके जो कोर वोटर थे मुस्लिम वोटर, उस सारे के सारे उन्होंने अपने तरफ ट्रांसफर कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा वहां पर धाराशाही हो गया, क्योंकि भाजपा की जो शिकायत रही दिल्ली में, उसकी शिकायत यही रही सुनील जी कि मुझे मुसलमानों ने एक वोट नहीं दिया। ये बात सत्य है, क्योंकि मुसलमान पूरे दिल्ली का एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो वही बात मैं कोट कर रहा, जो अब कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा लाया है ये कि अपने जो जो सूत्रीय मांग है, जो खोया हुआ खजाना है उसको वापस करने की, उसको लेकर वो मस्जिद के पास जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनको, लेकिन एक कहावत मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, कहीं ऐसा ना कांग्रेस के लिए कि मिसाले सनम ना खुदा मिला ना सनम, वो वाली बात ना हो जाए। जी, 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 तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी राहुल गांधी जय माता दी का नारा लगाए, इससे पहले चुनाव में जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो महाकाल गए थे। हाँ, हाँ, तो ये चीजों जो पूरा विश्व मीडिया देख रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुसलमान के चक्कर में जय माता दी के समर्थक, भोले बाबा के समर्थक, अनुयायी, उनको ना खो दे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अनुयायी से ज्यादा है भोले बाबा का अनुयायी, ये बात सत्य है। यहां मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फलसफा का शेर सुनाया आपको जी, जी, जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हाँ। कि दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और मुसलमान कलाम बने, ये करना चाहिए राजनीतिक पार्टी। धनेश कुमार, लेकिन राजनीतिक पार्टी क्या कर रहा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम,
और इल्जाम लगा रहा कि भाजपा करती है। और देखिए भाजपा इस तरह कभी लिख कर नहीं गई है, ये बात भी सत्य। लेकिन लास्ट कर दूं क्योंकि आपके मेहमान पैनलिस्ट ज्यादा है। अभी जरूरत है, प्रियंका गांधी एक नई पौधा के तहत आई है, उनको बरगद बनने की जरूरत थी, उनको तुलसी बनने की जरूरत थी, अभी उनको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उनमें जो कहते कांग्रेस के कार्यकर्ता कि उनमें इंदिरा गांधी का अक्ष दिखता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से भी मैंने अभी यूपी भ्रमण में था तो मैंने सुना, तो इन चीजों को कांग्रेस पार्टी भुनाता या तो अच्छा रहता ज्यादा प्रियंका अच्छा गांधी को राहुल गांधी का रिप्लेस करके राहुल गांधी को साइड कर देता और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का आने वाले टाइम में अध्यक्ष बनाकर प्रमोट करता, तो हो सकता कहीं ना कहीं मोदी और योगी जी के लिए थोड़ी सी सिरदर्द। जी 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 धनोज कुमार जी आऊंगा आपके पास। मेरे साथ और मेहमान है, अजरा मोबिन जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र पाल वर्मा और अनुपम सिंह बीजेपी से जुड़े हुए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही आपने बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के स्टैंड जो रहे हैं, जो कांग्रेस के कदम रहे या फिर राहुल गांधी के बयान ही हम ले ले, तो उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, कोर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो भी अब छिटकते जा रहा है। मिर्जापुर से हम कल परसों की बात ले ले, पूर्व मुख्यमंत्री के एक पोते, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके साथ सारा का सारा कुनबा भी पार्टी छोड़कर जा रहा है कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस की आज की हालत है। लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पा रही कि मंदिर जाए या मस्जिद जाए, जाए तो जाए कहां, वो सब जगह जाकर देख रही है कहीं से तो कुछ मिल जाए, लेकिन लगता है कि कहीं से उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा है। हालांकि देखना होगा कि यह दांव कितना सफल होता है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को चोट देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई खासा नुकसान है नहीं, कहा जाता है ये वोटर उसका है ही नहीं, सारा वोटर जो है मुस्लिम वोटर वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो चुका है यूपी में, और उसे चोट देने के लिए अगर हम 16 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी के तरफ ज्यादा इंगित की गई है कि अखिलेश राज में जो दंगे हुए उन पर जो एक हम वो देंगे। सीएनआरसी के हालांकि जिक्र है, उस पर मैं आगे पूछूंगा। तो मैं सुरेंद्र पाल वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। वर्मा जी, कांग्रेस मस्जिद के तरफ दौड़ पड़ी है और मस्जिद में तो आपका कोर वोट बैंक है, तो डर तो नहीं लग रहा है कहीं? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है जी। और सुनील जी, ये बिल्कुल तय है कि ये चाहे मस्जिद में जाएं जी, चाहे ये मंदिर में जाएं जी, इनकी जमीन खिसक चुकी है। 7 साल जिन लोगों ने राज किया है उनकी ये स्थिति है, इसकी लोग कल्पना नहीं करते थे। इनके ऐसे कुकर्म रहे हैं, इन शब्दों का मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, इनके ऐसे कृत्य रहे हैं कि इनके जितना भी वोटर था, इनके साथ पुराने जमाने में हम जब छोटे थे तो एससी था, मुस्लिम था और अपर कास्ट था, ये सब थे इनके साथ। लेकिन आज की तारीख में ना अपर कास्ट इनके साथ है, ना बैकवर्ड है, ना इनके साथ मुस्लिम है, फिर भी ये तो क्या सुरेंद्र पाल जी आपका भी कोई घोषणा पत्र आएगा मस्जिद तक आग भी ले जाके बांटेंगे? नहीं, घोषणा पत्र मेरा मेरा आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा पत्र जारी करेंगे अलग से मुसलमानों के लिए, कांग्रेस तो ले आई है, अलग से लाया है उन्होंने स्पेशल। नहीं, हमारा अलग से कुछ नहीं होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब अपना राय मशवरा कर रहे हैं सब लोगों से, उसके बाद जो है वो तय करके घोषणा पत्र जारी करेंगे, और जो घोषणा पत्र जारी होगा हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, वैसे आपके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, अब तो आरती वारती भी होने लगी है समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में। अनुपम सिंह जी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। सर, हिंदुओं के लिए आपका प्लान तो नहीं कि अलग से आप ले आए और मंदिरों के बाहर फिर बांटने की योजना हो, ऐसे कुछ कांग्रेस के इस तोड़ के जवाब में? सबसे पहले तो जितने भी आपके चैनल के दर्शकों हैं, दर्शक है, उनको मैं सादर प्रणाम है जी। और जहां तक मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, कि वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रातें बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। ये तो मिर्जापुर के कांग्रेस नेता का शेर है, आपने पढ़ दिया, कांग्रेस छोड़ते वक्त उन्होंने लिखा था ये शेर। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की जी, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, देखिए आज कांग्रेस चाहे वो मस्जिदों में पर्चे बंटवाए, अपना घोषणा पत्र बताए, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। पार्टी है, आपने पर्चे बंटाए, जो कार्य करना चाहे, आज चुनावी समय है, पहले कहा थे आज चुनावी समय में, ये तो आपके लिए फायदे का ही सौदा है। इसके लिए आप देखिए सपा है,
क्योंकि सपा भी दावा करती है कि भाई अल्पसंख्यक हमारे साथ में है जी, ठीक है, और कांग्रेस दावा करती है, तो ये आपस में सबकी लड़ाई है जी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आज जो सरकार हमारी चल रही है माननीय जोगीराम जी की अगुवाई में, इस सरकार को ने क्या किया है आपके सामने है। ये बात करते थे अल्पसंख्यक की, आज की तारीख में ये चोला पहन के आज अयोध्या में और हर मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं और आरती हो रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मार्गी इनका चेंज कर दिया। पहले इनकी विचारधारा क्या हुआ करती थी, ये मंदिरों के मैं कितने बार जाते थे वो आपने देखा, आज ये हर जगह हर इनके नेता मंदिर नहीं। सर आपका पेटेंट तो नहीं है ना, खुश होनी चाहिए कि सब लोग मंदिर जा रहे हैं, उसमें कोई पेटेंट जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल हमें खुशी है, बिल्कुल हमको बहुत खुशी है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इनका नरेटिव कर दिया। मैं डॉक्टर दलोच कुमार स्टूडियो से, सुनिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सवाल, योगीनाथ सरकार के ने जिस विकास के कार्य को किया है, अपने आप में एक मानक है, उनका इनकमिंग फेल हो गया, पूरे विश्व ने देखा। अनुपम जी इनकमिंग है आपके पास, जो कार्य करके दिखाया है वो इनकमिंग है, जो करे इनकी इच्छाएं कर सकते जी। जी अनुपम जी इनकमिंग है आपके पास ना, सुन रहे ना मुझे, मेरा एक सवाल है, ये सबका साथ सबका विश्वास और सबका जो ये विकास है, क्या इस नारा को धक्का नहीं लगेगा? जुमला था ये तो घोषित जुमला पार्टी है, जा रहे कांग्रेस वाले, क्या अंतर है? आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपका मैं स्टेटमेंट ठीक कर देता हूँ, सबका साथ वो छोड़िए ना, तो मेरे से गलती होगा, मैं बच्चा हूँ ना, मुझे बताइए ना थोड़ा सा। हमारे मोदी जी ने इसमें एक और चीज ऐड की है, सबका प्रयास। आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं मालूम था, माफी चाहता हूँ, लेकिन इस नारे को धक्का नहीं लगेगा क्या इनसे? देखिए धक्का किनको लगेगा और क्यों लोग चिंतित है, क्यों लोग मस्जिदों के सड़कों में जा रहे हैं, क्यों आगे तारे के मंदिरों बाहर देख रहे हैं, ये जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाने में कामयाब किया गया। जी 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 अजरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अजरा जी मैं आपके साथ आ रहा हूँ, माफी के साथ, बहुत लंबे वक्त से आप सुन रही हैं सबको। अनुपम जी अनुपम जी, वो 47,000 थी, आज 94,495 है, ये क्या है, ये परिवर्तन है तो क्या है? जी 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 जी, मैं अजरा मोबीन के पास जाना चाहूंगा, बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। अजरा जी, सबको आपने सुना होगा, आज देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा, 70 साल के आसपास का वक्त हो चला है, और हर चुनाव में हमने देखा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं सारे दल, और मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, हर चुनाव में ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, चांद ले आएंगे, तारे तोड़ के ले आएंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते क्या मानती है, कांग्रेस ने फिर 16 जो वादों का एक पन्ना थमा दिया है, मस्जिदों के बाहर बांटा जा रहा है, क्या लगता है आपको ये मुसलमानों की जो हालात है और जो एक वोट बैंक बनाया जा रहा है मुसलमानों को, आज भी वोट बैंक है, कौन जिम्मेदार मानती है इसके लिए, और क्या ये कुछ हो पाएगा इन वादों से? देखिए ये सब एक हथकंडे अपनाए जाते हैं मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के लिए जी। और आप ये जैसे बता रहे हैं, तकरीबन 70 साल से हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ है जी। लेकिन आज भी ये नजर नहीं आता है, जो घुटन भरी लोगों में जिंदगी से लोग जूझ रहे हैं, तो ये कहीं से नहीं लगता है कि वो हमारा भारत जो आजाद हुआ था आज भी पूर्णतया वो आजाद नहीं है, आज भी लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, और दलितों के साथ पिछड़ों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारा भारतवर्ष जो आजाद था तकरीबन 70 साल पहले, तो क्या वाकई हमारा भारतवर्ष आज आजाद है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी अनुपम जी ने कहा कि मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि उन्होंने एक जो इंक्लूड कर दिया है वर्ड, तो अभी जो कोविड जैसी महामारी थी उसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनी जान, नहीं अजरा जी हम कहीं और ट्रैक पर निकल गए हैं, मैं आपको ट्रैक पर लाना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम आज के बहस के विषय पर आए, आज का विषय ये है कि जिस तरह से मस्जिदों के बाहर जाकर मुसलमानों को अपने पाले में लेने की कोशिश की जा रही है, एक वोट बैंक बनाया जा रहा है, क्या मुसलमान आज भी वोट बैंक बनने के लिए तैयार हैं? और क्या
अपने परिजनों को लोग गाड़ियां मुहैया नहीं करा पाए थे, तो आत्मनिर्भर तो वाकई प्रयास तो करना पड़ा ना लोगों को। आत्मनिर्भर बना दिया है कि सही से वो अपने अपने परिजनों की लाशों को दफनाने के लिए मजबूर हो गए, तो उनके पास गाड़ियां नहीं थी। तो वाकई बिल्कुल सही आप करें कि आपने प्रयास भी जोड़ दिया। बीजेपी तो अल्लाह के भरोसे रह गए थे ना, बीजेपी तो अल्लाह के भरोसे रह गए थे कि अल्लाह है तो किसी को एक भी मौत नहीं होगा। तमाम मुसलमान भारत के तो कहते थे कि हमारा अल्लाह अकबर है तो ये कोरोना क्या करेगा। तो बीजेपी अल्लाह को याद कर रहे थे उस टाइम कि अल्लाह आओ और कोरोना से बचाओ। तो जब अल्लाह थे मैडम सुनता लीजिए, इनकमिंग रखिए अपने पास, अल्लाह है भारत में तो फिर क्यों मरेगा कोरोना से, और कोरोना से मर गया तो फिर अल्लाह कहाँ थे मुझे बताइए। जब कोरोना में आदमी मर गया तो फिर अल्लाह कहाँ थे, अल्लाह कौन से मस्जिद में थे? सारे मुसलमान लोग कहते थे कि कोरोना से कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है, तो फिर आदमी नीचे में मरे तो अल्लाह कहाँ गए थे? हमने सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको इसलिए बुलाया है कि आप जो मुसलमानों के हक हुकूक की जो बातें होती है वो बातें रखे, आप बताएं कि जो आज मुसलमान जिस हालत में है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 16 पॉइंट के घोषणा पत्र में कहा है कि इसके लिए अखिलेश की सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो मैं हमने आपको इसीलिए बुलाया कि कौन जिम्मेदार है। जी जी, सबका साथ सबका विश्वास बिल्कुल निरर्थक साबित हो चुका है, कहीं कोई साथ नहीं चल लेके चल रहे, किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे, मॉबलिंचिंग हो रही है जगह जगह पे, आप फर्जी मुकदमे लोगों पे लगा दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अजरा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर ले जाना चाह रहा हूँ, आप दक्षिण चली जा रही हैं। मैं सवाल आपसे किसी और सवाल पे पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रही है। मैं विनोद जी के पास आता हूँ। विनोद जी को टाइम दीजिएगा, एक जानकारी मैं जरूर साझा करूंगा। भारत में देखिए सबसे ज्यादा मौत जो कोरोना में अमेरिका में हुआ जी। अमेरिका का एक ऐसा मैदान है, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग दोस्त हमारे साथ में पढ़े लिखे वहां, उन्होंने मुझे फोटो भी भेजा, वीडियो बना के भेजा, उस पे नाम लिखकर उसको जो है ना श्रद्धांजलि देकर वहां पर लंबी मैदान में छोटे छोटे जो है ना झंडे, लेकिन वहां पर एक भी लोग राजनीति नहीं किया कोरोना में, क्योंकि जिनको मरना था मर गए, उनके शांति के लिए ईश्वर से परमात्मा से प्रे किया। लेकिन हमारे भारत की दुर्भाग्य है, मैं कोरोना काल में सुनील जी मैं खुद लाइव मैं रहा, मैं कीट पहनकर, जो डॉक्टर वाला कीट है वो कीट की क्या गर्मी होती थी आपको नहीं पता, मैं पसीने से लथपथ हो जाता था, लेकिन मैं पूरे भारत का भ्रमण किया, जितने भी लोग दावे किए इतने लोग मर गए वो सब के सब झूठ थे। क्या उनको जेल में बंद कर देना चाहिए जिन्होंने कहा कि लाश जो है करोड़ों लाश मर गए? मैं तमाम सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 महीने की बात बता रहा हूँ, सारे डेटा स्टोर करके बैठा, लेकिन जो इन लोगों ने कहा वो नहीं, मौतें हुई लेकिन मौत हुई जैसे हार्ट अटैक से, भयावह से स्थितियां से परिस्थितियां से, लेकिन कोरोना में जितने लोग मरे उसका डेटा हॉस्पिटल में, लेकिन इन लोगों ने हल्ला बहुत मचाया, करोड़ों मौत हो गया। विषय पर आए और हम अपनी बहस पे आए कि क्या तुष्टीकरण अब जो खुलेआम, मैं विनोद जी के पास आना चाहूंगा। विनोद जी देखिए गंभीर सवाल है और इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा, ये अगर ये स्टैंड है कांग्रेस का कि मस्जिदों के पास जाकर आप पर्चे बांटेंगे, कल आपसे उम्मीद करेगी, ये सेकुलर मुल्क है, हिंदुओं को भी उम्मीद होगी हमारे मंदिरों के बाहर आए आप, हमारे लिए भी अलग से घोषणा पत्र लेकर आए, तो क्या आप करेंगे भविष्य में ऐसा? नहीं, इसमें मुझे देखिए आपत्ति है, अलग से आने की क्या कोई अंतर ऐसा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है कि किसी के साथ अनदेखी होगी? नहीं, 16 पॉइंट सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों के लिए करेंगे हम, नहीं सब नहीं, मैं बता रहा हूँ। सवाल देखिए गंभीर है, इस समय जब एक स्वघोषित, मैं प्रायः ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लैला को उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए भेजा गया है, तो वो किस लिए भेजा गया है या उनके रिकॉर्ड क्या बताते हैं भारतीय जनता पार्टी से उनके? अच्छा, लीजिए हमारे देश का एक भी वोटर, मैं आपके गंभीर मुद्दे पर सवाल जो आपका गंभीर है मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिये शोर शराबे के बीच हम क्या निकलता है आपके दर्शकों के लिए, उसके लिए प्रतिबद्धता है। देखिए सवाल क्या है, पिछले 7 वर्षों से भाजपा के साथ ही कह रहे थे कि सबका साथ विश्वास वगैरह वगैरह, अब मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए हुए ही नारों की बात करूंगा और किसी नेता द्वे की बात नहीं करूंगा। आप एक लाइन से गिनाता हूं, आप नोट करिए, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, फ्री इंडिया, कॉरपोरेट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, स्मार्ट सिटी, 100 सिटी, क्या हुआ आज?
आज धरातल पे एक भी मुखी जिसके लिए मुखर थे, जिस पर आशावादी तरीके से जनता का इनको समर्थन भी मिला, लेकिन आज उसी जनता को इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। संसद में ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि कितने लोग विवश हुए, मर गए, खत्म हो गए, उनके पास कोई विकल्प बचा कि नहीं जीवन चलाने का, इनके पास कोई डेटा नहीं है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार है, और ये सरकार लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, बनती कैसे है? लोगों के लोकमत से बनती है, और जब किसी भी तरीके से गुमराह करते किसी लैला को, किसी को बना के एजेंट बना के भेज दिए जाएंगे, तो क्या हिंदू मुसलमान किसी के साथ जाती हो क्या? एक जिम्मेदार निष्पक्ष सरकार होनी चाहिए कि नहीं? और जिम्मेदार निष्पक्ष सरकार होगी वही सबके साथ सबके विकास का जो मूल मंत्र है उसको चरित्रार्थ करने नहीं, का नहीं, काम बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो सोगेसी जुमला पार्टी है। नहीं नहीं विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कई सारे मैं तो ट्रैक और डेटा पे बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी योजनाएं लाई और वो धरातल पर नहीं उतार पाई, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए? बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ कर नहीं पा रहे कमाल, उसके बावजूद देश की जनता आपको नकार दे रही है, तो कहां फेलियर आपका हो रहा है इस पर आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस नाच करना ही भूल गई ना, पहले सुर में जो नाचती थी ना सुनील जी, जी वो डांस सुनील जी मैं आ रहा हूं, देखिए इसका इसका कोरियोग्राफर पहले वाला जो था ना, जी, जी, वो रिजाइन करके चले गए। कांग्रेस को जो पहले जिस तरह माइकल जैक्सन की तरह डांस करना आता था ना, अब वो फील्ड में नहीं कर पाती, जनता जो है इंटरटेन नहीं कर पा रही कांग्रेस को। हमारे जो छोटे भाई विनोद सिंह ये बात आपको नहीं बता रहे, ये लैला मजनू, ये लैला मजनू का कभी मिलन हुआ है क्या? सुनील अगर मान लीजिए ओवैसी लैला है और भाजपा मजनू है, तो कभी ओवैसी मैं क्लियर कर देता हूँ, लैला मजनू का ऐसे प्राय मिलन नहीं हो पाता है। सुनते बात समझिए, लेकिन दोनों की डोर एक दूसरे पर ही बंधी रहती है। मैं एक चीज यह कहना चाहता हूँ बीच में, मैं इसलिए कहा, देखिए क्या होता है, जो भी राजनीतिक पार्टी है उसको चुनाव में भाग लेने का पूरा सम्मान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कोई नेता मुझे एक बता दीजिए जो चुनाव कार्यालय में जाके कहता हो कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी रजिस्टर करता हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए करता हूँ, सिख के लिए करता, ईसाई के लिए करता, नहीं ना। कानूनन अगर आप देखेंगे तो पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जात पात से परे होता है, लेकिन जब चुनाव का वोटिंग की बात होती है, जब सत्ता की कुर्सी लेने की बात होती है, लेकिन वहाँ एक हलफनामा जो दिया जाता है ना, उसके मैं उस पर बात कर रहा हूँ पार्टी। चलिए खैर, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, लौटूंगा, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस विषय पर हम आगे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत गंभीर और मौजूद सवाल है कि एक सेक्युलर राष्ट्र, एक लोकतंत्र जहां पर सब धर्मों के लोग रहते हैं, क्या वहां पर एक धर्म के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए या एक धर्म के वोट पाने के लिए अलग से घोषणा पत्र लाना, मस्जिदों में बांटना, क्या यह जायज है? सवाल देश का है, जारी है, ब्रेक के बाद। सवाल देश का है सुनील राव के, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।